भारत की क्रिकेट टीम रोहित शर्मा की अगुवाई में बांग्लादेश पहुंच चुकी है, जहां 4 दिसंबर से बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज शुरू होनी है, जो कि 3 मैचों की होगी और उसके बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जानी है। लेकिन इन सब के बीच की ये सीरीज शुरू हो, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को झटका लगा है और वो झटका बड़ा झटका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। रविवार से भारत और बांग्लादेश के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू होनी है और उससे पहले बांग्लादेश की टीम जो है वो मुश्किल में है। क्यों मुश्किल में है? क्योंकि उसके कप्तान जो तमीम इकबाल हैं, जो कि सीरीज के लिए कप्तान थे, अब वो कप्तानी नहीं कर पाएंगे। अब तमीम कप्तानी क्यों नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको बता दूं कि ग्रॉइन इंजरी की वजह से तमीम इकबाल न सिर्फ वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज से बाहर हुए हैं, मतलब वो 3 ओडीआई में अपनी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि टेस्ट सीरीज में भी उनका खेलना अब संदिग्ध माना जा रहा है और संशय है कि वो खेल पाएंगे या नहीं, कम से कम पहले टेस्ट मैच में तो मैं कह ही सकता हूं। चूंकि जो ये ग्रॉइन इंजरी होती है ना, वो थोड़ा वक्त जो है वो लेती ही है और 2 सप्ताह का जो कहा गया है वक्त लगेगा ग्रॉइन इंजरी से उबरने में तमीम इकबाल को, तो ये एक बड़ा झटका है। और इसके साथ ही एक दूसरा झटका भी बांग्लादेश को लगा है और जो उसके लीडिंग फास्ट बॉलर है तस्कीन अहमद, वो भी चोटिल होकर पहले वनडे से बाहर हो गए हैं, मतलब वो ओडीआई सीरीज से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन जो पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा उस मैच का वो हिस्सा नहीं होंगे और चोट ही इसकी वजह भी है। उनके बैक में समस्या है और तस्कीन इस तरह से बाहर हुए। हालांकि इन दोनों के बाहर होने से जो बांग्लादेश की उम्मीदें हैं उन पर बहुत असर पड़ेगा। हालांकि बांग्लादेश की टीम घर में बहुत मजबूत मानी जाती है और कई उलटफेर वो अपने घर पर कर चुकी है, लेकिन इन दोनों के चोटिल होने से उनकी संभावनाओं पर असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम तमीम इकबाल की बात करें तो वो न सिर्फ टीम के कप्तान थे, बल्कि वो जो है भारत के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। भारत के खिलाफ जो उन्होंने 19 मैच खेले हैं और 18 पारी खेली है, उसमें उन्होंने 7 बार जो है 50 से ज्यादा रन बनाए हैं, 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, 750 उनके नाम है, एवरेज भी 33-34 के आसपास है और स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा है, लगभग 85 के आसपास। भारत के खिलाफ अगर हम बात करें तो, और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की बात करें तो तमीम इकबाल ने बांग्लादेश के लिए 8,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो इसी से समझा जा सकता है कि उनका बाहर होना टीम के लिए कितना बड़ा आघात है या कितना बड़ा नुकसान है। दूसरी तरफ तस्कीन अहमद चोटिल होकर बाहर हुए हैं और वो पिछले 1 साल से लगभग 10-12 महीनों से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के प्राइम बॉलर बन के उभरे हैं और हर मौके पर, अभी आपने T20 विश्व कप में भी देखा कि उन्होंने कितनी अच्छी गेंदबाजी की है और भारत के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। भारत के खिलाफ जो उन्होंने 6 मैच खेले हैं उसमें 12 विकेट लिए हैं और उनका जो इकोनॉमी है 4.29 वो बहुत ही अच्छा है भारत के खिलाफ, तो पहले मैच में वो भी नहीं रहेंगे और इसका नुकसान जो है वो बांग्लादेश की टीम को उठाना पड़ेगा। हालांकि तस्कीन के बदले जो है रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया गया है और शोरफुल इस्लाम को उनकी जगह शामिल किया गया है। शोरफुल इस्लाम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश टीम का हिस्सा थे, तो उन्हें टीम में स्थान दिया गया है तस्कीन की जगह पर। अब वो उसकी कितनी भरपाई कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो तमीम इकबाल बाहर हुए हैं उनका रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं बताया गया है, मतलब उनकी जगह बांग्लादेश टीम की कप्तानी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज में कौन करेगा, इस नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो अब उम्मीद है, देखते हैं कि किसे शाकिब अल हसन को कैप्टन बनाया जाता है या मुस्तफिकुर रहीम को कप्तान बनाया जाता है, ये देखना होगा। तो उनके पास विकल्प हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के पास, तो वो किसे भी कप्तान बना सकते हैं।
लेकिन इन सब के बीच जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं अकरम खान, उन्होंने बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि जो भारतीय टीम है ये बात सही है कि उनके पास बड़े नाम हैं, लेकिन घर में बांग्लादेश की टीम किसी भी देश को हराने का मादा रखती है और वो टीम जो है घर पर अच्छा खेलेगी और भारत को हमसे बच के रहना होगा, भारत के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टीम अच्छा प्रदर्शन करने को कटिबद्ध है। ये बातें अकरम खान की तरफ से आई हैं, तो एक रोचक मुकाबले की, एक रोचक सीरीज की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं जो कि रविवार से शुरू होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत में भी जो रेगुलर कैप्टन है रोहित शर्मा, उनकी वापसी हुई है, विराट कोहली आ गए हैं, केएल राहुल आ गए हैं, तो सारे खिलाड़ी रेस्ट के बाद टीम के साथ जुड़ गए हैं। ये खिलाड़ी जो है बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, कुछ खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, तो एक टीम बनेगी और उसके बाद जो है रविवार को पहला मुकाबला होगा जिसके दिलचस्प होने की उम्मीद है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम जो कि 2023 में वनडे का वर्ल्ड कप होना है उसे ध्यान में रखते हुए उसी तरह से तैयारी करेगी और ये जो सीरीज जीत अगर उसे मिलती है बांग्लादेश में तो इससे उसका हौसला निश्चित तौर पर बढ़ेगा। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।